बड़े चिल्ला के बोलते हैं बहुत सारे फालतू के कानून है। वो फालतू का कानून बोलते हैं जो हमारे काम के, जो मूल निवासी के काम के कानून है उन्हें वो फालतू का कानून बोलते हैं और कहते हैं मैं एक एक करके रोज खत्म करूंगा, और वो कर रहे हैं और हम होते हुए सिर्फ देख रहे हैं। और बड़ा आश्चर्य दुखद संदेश हमारा समाज देता है और कहता है बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं जी। इतना तेज प्रधानमंत्री नहीं देखा हमने जो सुबह शाम जरिए के सिर्फ बहुजन मूल निवासियों की बजाता हो, उनके विरोध में जनमत को आगे पहुंचाता हो। आप देखिए विकास तो पैदा हुआ नहीं, नोटबंदी हुई ठीक 9 महीने बाद जीएसटी लागू हो गया। समझ रहे परिवर्तन कितनी तेजी से हो रहा है 9 महीने में। जीएसटी लागू हो गया वो अभी किसी की समझ में आया नहीं, उसका लाभ दिखाया जा रहा है कितना फायदा हो गया और लोग ताली पीट रहे हैं, वाह वाह बहुत बढ़िया। इससे आगे बढ़ते हैं, जैसे कि अभी बताया सीओ बनी, वो सीओ कोई किसी और दूसरी बिरादरी की नहीं है, ब्राह्मणी है। स्टेट बैंक की जो वो महिला है वो ब्राह्मण जाति से संबंध रखती है और उसे खूब अच्छे से पता है। 7,000 जिसकी शाखाएं ज्यादा है, 7,500 स्टेट बैंक की पूरे भारत के अंदर, बाकी बैंक प्राइवेट एक तरफ और स्टेट बैंक एक तरफ, उनके जनधन के खाते खुलवाए जा रहे हैं। कह रहे हमारा भारत विकास कर रहा है, देखो मैंने इतने करोड़ खाते खुलवा दिए। खाते खुलवा किस लिए दिए? ताकि 105 रुपए उनका महीने का कटना शुरू हो जाए। तो ये तो बहुत फायदे की बात हो रही है ना, 5,000 से कम। अरे अमीर आदमी की समस्या थोड़ी है 5,000, ये समस्या तो हमारे समाज की है। जो 5,000 पूरे महीने में कमाता है और बचा वो कहां पाता है? 5,000 वो कमाता है, बचा वो कहां पाता है? बैंक में रखता है। तो 105% मतलब 105 रुपया उसका कट जाता है, बड़ा खुश होता है, कहता पता नहीं कैसे कट गए, पता नहीं कैसे कट गए। एक दूसरे को समझाता है और तसल्ली देता है, मेरे कट गए तेरे भी कट गए कोई बात नहीं। तो हम जिस समाज को समझाना चाहते हैं वो आर्थिक नुकसान भी उठाता है, हंसते हुए जयकारा भी लगाता है। बहुजन समाज कर्ज लेता है और माता पे जाता है, आरती और जगराता कराता है, बड़ी जोर जोर से गाना गाता है, माता की जय करता है। और बनिया भवन की माताएं आश्रम में जाती है, क्यों? ये समस्या उनकी है माता की। हम तो अपनी माताओं को प्यार करते हैं, अपने साथ रखते हैं, बल्कि मैं तो ये कहूंगा माताएं हमें अपने साथ रखती है, और वो अपनी माताओं को साथ रखते नहीं इसलिए वो आश्रम में जाते हैं। तो ये बहुत सारे निजीकरण के जो नुकसान हो रहे हैं सीधे सीधे हमारे ऊपर हो रहे हैं।